टू अनअकैडमी सीएसआर नेट। तो देखिए भाई, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो फास्फोरस होता है P4, वो बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है। उसमें सबसे ज्यादा जो फास्फोरस जो रिएक्टिव होता है वो P4 वाइट फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसका रीजन होता है उसकी स्ट्रक्चर, उसमें जो फास्फोरस का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, बट वहां पे हाइब्रिडाइजेशन आपका SP3 होती है, जिसकी वजह से वहां पे एंगल 109 डिग्री होना चाहिए बट होता 60 डिग्री है, यानी कि एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, जिसको ओवरकम करने के लिए वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो थैंक यू।